इधर ग्वालियर चंबल संभाग में डेंगू का प्रकोप लगातार बढ़ता ही जा रहा है और मौसम में बदलाव के बाद कोई भी फर्क नहीं पड़ा है। उसी का नतीजा है कि सोमवार को डेंगू के 13 नए मरीजों की पुष्टि हो गई है। 105 संदिग्ध मरीजों के सैंपल की जांच में 13 मरीजों को डेंगू होने की पुष्टि सामने आई। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक सितंबर से अब तक 1044 डेंगू के मरीज मिल चुके हैं। हैरानी और चिंता की बात तो ये है कि 17 साल से कम उम्र के 531 बच्चे अब भी डेंगू की चपेट में आ चुके हैं। ग्वालियर का गजरा राजा मेडिकल कॉलेज के बाल रोग और शिशु रोग विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर अजय गोड ने इसका कारण भी बताया है। देखिए, ये जो बारिश के मौसम के बाद जो मौसमी बीमारियां होती हैं उनमें डेंगू, मलेरिया और वायरल, ये तीन बीमारियां जो है वो सबसे ज्यादा होती हैं। और इनका होने का कारण भी ये है कि बारिश के बाद जब दोबारा धूप खिलती है, गर्मी बढ़ती है, थोड़ी ह्यूमिडिटी जो है वो बढ़ती है, तब जो वायरस, बैक्टीरिया जो होते हैं, मच्छर होते हैं, उनको पनपने के लिए एक उचित वातावरण मिलता है।